नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में मार्केट के समय को कई बार फेर बदल किया गया है, मगर अब मनपा द्वारा अब जो 12 बजे दोपहर से 4 बजे तक समय दिया गया है उसे भी बदलने की मांग हो रही है। वहीं दूध की दुकान एक दिन खुल रही है, मगर अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है और अल्पसंख्यक विभाग विकास विभाग के जिला अल्प कल्याण समिति के सदस्य बिलाल शेख ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय लगभग 14 घंटे रोजा रखते हैं, ऐसे में दोपहर 12 बजे की मार्केट कड़ी धूप में कैसे करेंगे। इसके लिए मार्केट का समय सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक और शाम में 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने की मांग की है, क्योंकि सुबह 4 बजे के पहले और शाम में 7 बजे के बाद खाना पीना होता है। खास तौर पर दूध की दुकान प्रतिदिन खुलने की मांग की है, क्योंकि दूध की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें। यानी आने वाले रमजान में लॉकडाउन में मार्केट के समय को बदलने की मांग की गई है, ताकि लोग मांग किए गए समय पर दुकानों से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। मोहम्मद बिलाल शेख ने जिला अधिकारी से समय को लेकर क्या कहा है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल शेख, मैं अल्पसंख्यक विकास विभाग सदस्य है, थाना ज़िला महाराजगंज सांसद, अलहमदिल्ला गवर्नमेंट में हूँ मैं। मैंने वही लेटर हेड के ऊपर मुख्यमंत्री साहब से और हमारे कलेक्टर साहब से एक मांगनी किया हूँ कि रमज़ान में जो अभी कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इस माहौल में अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मार्केट की जो हमारी टाइमिंग है, जैसा कि अभी लोग ने 17 तारीख को जो लेटर इशू किए ना, उसमें ऐसा लिखा है कि 12 से 4 का टाइमिंग दोपहर में सारी दुकानें, उसमें फिर एक दिन आ रहे वो सब अलग है, मगर 12 से 4। अब रमज़ान में 12 से 4 बोले तो कड़ी धूप के अंदर रोज़े में 14 घंटे का रोज़ा है, वो रोज़े में हम 14 घंटे के रोज़े में भूखे प्यासे कड़ी धूप के अंदर खरीदी नहीं कर सकते। तो मैंने ये मांग किया हूँ कि उस टाइमिंग को चेंज करते हुए ना, सुबह में 3 से 7 जो हमारे सहरी का टाइम होता है, जो 4-4:30 बजे के पहले हमको खाना पीना होता है, उस वक्त हम खरीदी कर ले और सहरी हो जाए 3 से 7 के बीच में, और शाम में 4 से 7 जिसमें इफ्तार हो जाए, और दोपहर के टाइम पे आराम से सब जन लॉकडाउन का पालन करे, घर पे रहे। इस मुद्दे को मैंने अभी डाला हूँ लेटर, मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री साहब को डाला हूँ और थाना के हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनको डाला हूँ, और लेटर में मैंने पूरे महाराष्ट्र की बात किया हूँ, सिर्फ मुंब्रा और कौसा की बात नहीं किया हूँ, पूरे महाराष्ट्र में रमज़ान है, मैंने पूरे महाराष्ट्र की बात की है। अच्छा, एक मुद्दा मैंने इसमें और एक ये डाला हूँ कि उसमें दूध का जो दुकान है ना, उसमें भी एक दिन आड़ बोला जा रहा है, जैसा कि बुध जुम्मा इतवार मटन रहेगा और बीच के दिनों में वेजिटेबल रहेगा, तो वैसा दूध और बेकरी के आइटम को भी एक दिन आड़ किया जा रहा था। उस पर भी मैंने ये कहा हूँ कि दूध की दुकान को कम से कम डेली चालू रखो, ताकि जो छोटे बच्चे भी रहे तो उनको दूध कम से कम मिल सके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।